Hello guys, welcome back to my channel. I am Meeta. I hope you are doing well. So आज मैं मेकअप शेयर करने वाली हूँ कि जो कि बिगनर्स के लिए हैं, जो कि मैं आज स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से जिनको मेकअप नहीं आता है करने के लिए या फिर जो सीखना चाहते हैं मेकअप के लिए, तो उनके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप मेकअप करके बताऊँगी कि आप पहले ये प्रोडक्ट यूज़ करो, देन ये। तो इस तरीके से मैं हर एक एक चीज़ की स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी और आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी यही वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आप आसानी से मेकअप करना सीख जाओ। फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूव ऑन करने से पहले मेरे चैनल को कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यू वीडियो लेकर आऊँ इसी तरीके से मेकअप का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। गाइज, आप लोगों को तो पता ही होगा कि पहले प्राइमर अप्लाई किया जाता है, तो मैं यहाँ पर पर्पल का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, 24 कैरेट गोल्ड का प्राइमर। आपके फोर्स को फिल इन करता है। अगर फाउंडेशन में कोई भी केमिकल है तो होने की चांसेस है, तो प्राइमर उसे कवर करेगा। ये जेल फॉर्म में होता है और ये इजीली ब्लेंड हो जाता है, और इसे आप अच्छे से लगा सकते हो अपने चेहरे पर, और आप नेक एरिया में भी लगाना ना भूलें, क्योंकि फेस के साथ साथ नेक एरिया में भी लगाया जाता है। प्राइमर के बाद अब मैं यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर मैबेलिन फिट मी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जो कि सारे स्किन टाइप के लिए ये सूटेबल है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिक है। फाउंडेशन आपको सिर्फ वन ड्रॉप लेना है और अच्छे से अपने फेस पर मिक्स करना है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, और ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा गीला कर देना है ताकि वो अच्छे से आपके फेस पर फाउंडेशन जो है वो मिक्स हो जाए। आप लोग देख सकते हो कि मेरी फाउंडेशन कितने अच्छे से मिक्स हो चुकी है। देन मैं अब यहाँ पर अप्लाई करूँगी डार्लिंग इजाबेल का कंसीलर, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंसीलर अप्लाई करना है आई के नीचे, आपको अच्छे से कंसीलर अप्लाई करना है। देन आप आईलेट पे अच्छे से कंसीलर अप्लाई करो ताकि शेडोज है वो अच्छे से लग सके। देन मैं नोच पर भी कंसीलर अप्लाई करना है, चिक पे हल्की सी कंसीलर अप्लाई करनी है एंड फॉरहेड पे, ताकि वो अच्छा लगे। देन मैं अब सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप लोग देख सकते हो कितना स्मूथली ये मिक्स हो रहा है। देन मैं अब आईब्रो पेंसिल अप्लाई करूंगी। आईब्रो पेंसिल की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल करूंगी ताकि वो और डार्क ब्लैक दिख सके। एंड आईब्रो में भी सेम उसी तरीके से करूँगी। अब मैं ब्रश की हेल्प से आईब्रो को अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि वो और अच्छा लगे। मैं यहाँ पर लैक्मे की पाउडर यूज़ करूँगी, या आप लोग के पास अगर नॉर्मल पाउडर भी है, आप लोग जो यूज़ करते हो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। पाउडर अप्लाई करने से आपके फेस पर स्वेट नहीं आएगा एंड मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिक रहेगा। आपको बड़े ब्रश से ही पाउडर अप्लाई करना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो सके। आप लोग देख सकते हो पाउडर मैंने पूरे चेहरे पर एंड नेक एरिया पर भी अप्लाई कर ली है। मैं स्टार्ट करूँगी आईज़ मेकअप। यहाँ पर मैं वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। पहले हम लोग आई शेडो क्रीज पर अप्लाई करेंगे, ट्रांजिशन शेड को पिक करेंगे, देन अपने क्रीज पर अच्छे से ये अप्लाई करेंगे। क्रीज पर आई शेडो लगाने से जो क्रीज लाइन है वो डिफाइन हो जाती है अच्छे से।
अब मैं यहाँ पर आईलेट पर आई शेडो अप्लाई करूँगी। आईलेट के लिए मैं यहाँ पर डार्क ब्राउन शेड पिक करूँगी। ब्लेंडिंग सबसे मस्ट ज़रूरी है, अच्छे से आप आई शेडो को ब्लेंड करो ताकि वो अच्छा लगे। सेकेंड आईज पर भी मैं सेम तरीके से आई शेडो अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैं अब ऑरेंज कलर की सिमरी शेड लूँगी। फिंगर की हेल्प से मैं अपने आईलेट पर इसे अप्लाई करूँगी ताकि वो आसानी से अप्लाई हो सके। देख सकते हो आप लोग, आईज पर मैं ये आई शेडो अप्लाई कर लूँगी। मैं यहाँ पर लैक्मे की आईलाइनर अप्लाई करूँगी अपने आईज़ पर। लैक्मे की लाइनर मेरी हमेशा से फेवरेट रही है, जब मुझे लाइनर लगाने नहीं आती थी तो मैंने लैक्मे की ही लाइनर से मैंने सीखा था लाइनर लगाना। इसकी इससे काफ़ी अच्छा ये लाइनर लाइन जो है वो ड्रॉ होता है, जो है वो अच्छे से अप्लाई करने के लिए जो इनर कॉर्नर है आईज़ की वहाँ से एक थिन लाइन ड्रॉ करो। देख सकते हो मैंने दोनों आईज़ में लाइनर जो है वो ड्रॉ कर लिया है और ये काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हुआ है। यहाँ पर मैं बलीन का मस्कारा अप्लाई करूँगी। बलीन का मस्कारा इतना अच्छा है कि आपको फॉल्स लैसेस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी और मस्कारा ये ऑप्शनल है। मैंने सोचा कि वीडियो में डाल देती हूँ। आपको अप्लाई करनी है नीचे से अपनी लैसेस को, पूरा मस्कारा कलर करना है, देन आप नीचे वाले भी ये लैसेस को आप उसमें अच्छे से अप्लाई करो। यहाँ पर ब्लू हेवन का ब्लशर अप्लाई करूँगी ताकि जो है मेरे चिक जो है वो पिंक लगे और काफ़ी अच्छा लगे। ब्रश की हेल्प से मैं ब्लशर जो है वो अपने चिक पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ब्लेंडिंग सबसे ज़रूरी है, अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। आप कोई भी मेकअप कर रहे हो तो ब्लशर भी आप यूज़ कर रहे हो तो आप अपने चिक पे अच्छे से ब्लेंड करो। मैं अब यहाँ पर मिस रोज का हाइलाइटर यूज़ करूँगी। काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, पाउडर वाला हाइलाइटर है ये, और मैं अपने चिक पर लगा लूँगी हाइलाइटर, अच्छे से अप्लाई करूँगी, देन मैं अपने नोज़ पर भी अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा हाइलाइटर अपने फॉरहेड पर भी अप्लाई कर लूँगी। अब मैं हाइलाइटर जो है आईब्रोज़ के नीचे वाले साइड में वहाँ ये अप्लाई करूँगी ताकि जो है वहाँ पर हाईलाइट हो और अच्छे से अच्छा लगे। पर हाइलाइटर मैं आईज़ के कॉर्नर में भी अप्लाई करूँगी ताकि जो है आईज़ वो और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। मैं यहाँ पर डार्लिंग इज़ाबेल की लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। ये लिपस्टिक मुझे पर्सनली काफ़ी, इसका कलर काफ़ी अच्छा है। मैंने अभी पर्पल से न्यू ही मंगवाया था। इसकी वीडियो मैंने ये यूट्यूब में डाली हुई है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर ये शेड आपको अच्छा लगता है तो आप लोग बाई कर सकते हो। और गाइज आप लोग ये ज़रूर बताइए कि मेरा हेयर स्टाइल आप लोग को कैसा लगा। ये टीनेजर्स में काफ़ी ट्रेंड में है और ये काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है। आप जीन्स में बना सकते हो, वन पीस में बना सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है। तो मैं न्यू हेयर स्टाइल लेकर फिर से आऊँगी। आप लोग कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना कि मेरा ये मेकअप आप लोग को कैसा लगा, और फिर लाइक करना, कमेंट करना। एंड ये टीनेजर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छी है, आप लोग कर सकते हो। ओके, बाय बाय गाइज, लव यू, टेक केयर।